एक मैंने बर्तन लिया, इसमें पानी डाल देती हूँ। तो इसी पानी में हम दियली को धोएंगे। हमारे गांव में दियली धो के अच्छे से सूप में रखा जाता है, नया वाला सूप में। तो मैं ऐसे अच्छे से मैं दियली को पलट पलट के रखूंगी, पानी अच्छे से सूख जाएगा तो इसमें पूजा होगा। तो मैं दोपहर में धो रही हूँ, दियली को रखूंगी छत पे, बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। राम राम विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दीपावली के ढेर सारे दोस्तों आप सबको बधाई। पूजा करने का मैं तैयारी कर रही हूँ, और देखिए सासू माँ हमारी जो बाती बनती है तो वही बना रही हैं। अरे थोड़ा बहुत देखिए मार्केट से मैंने लिया है, थोड़ा बहुत बना लेंगी, जो घटेगा तो उसमें काम आएगा। तो ये देखिए मैंने एक घंटी लिया हुआ है, तो इसमें अच्छे से सुई से इसमें धागा डालेंगे, और ये देखिए घंटी के जो अंदर रहेगा इसी से बाजेगा, अच्छे से मैं सेट करूँगी। तो मैं धागा अच्छे से इसमें सेट करेंगे, तो मैंने एक सुई लिया है उसी के सहारे इसको अच्छे से अंदर डालूंगी। तो मैंने धागा देखिए अच्छे से डाल दिया है, घंटी में अच्छे से इसको डालूंगी। तो शाम हो गई है और समय का 5:30 बज रहा है, और हम लोग पूजा का तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। देखिए मैंने अच्छे से इसमें सेट कर दिया है घंटी लगाने के लिए, और एक धागा से अब इसको अच्छे से मैं गट्ठी देंगे। मैंने घंटी अच्छे से सेट कर दिया है, तो इसको मैं रख देती हूँ सूप में। जो बाती है वो फटाफट थोड़ा बहुत और बना लेंगे। तो गांव में बाती हम लोग ऐसे बना लेते हैं, देखिए पैटी में आया हुआ है, इसको भी मैं खोल के इसको रख देंगे। वही बता रहे हैं सासू माँ कि अच्छे से जलेगा कि नहीं, हमका थोड़ा बहुत बना लेंगे हाथ से। हाथ के सारे थोड़ा थोड़ा मैं पतला कर देंगे, और पतला रहेगा बहुत ही अच्छे से बाती रहेगा। जैसे हमारे गांव में पूजा होता है दोस्तों, वैसे हमारा वीडियो लास्ट तक देखना, और मैं पूजा करूंगी, आप सब भी पूजा करना और हमारे वीडियो को लाइक करना। दिवाली बधाई। तो हमारी सासू माँ दोस्तों आपसे ढेर सारा सब लोगों को बधाई दे रही हैं, कि हमारे तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई, क्योंकि ज्यादा बोल नहीं पाती है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल नहीं बोल पाती है, और बहुत ही प्रयास करती है तभी बोलती है, नहीं बोल नहीं पाती है। कैमरा सामने देखो ऐसे खूब ढेर सारी बातें करती है, ऐसे भी नहीं बन पाती है। तो मैंने ढेर सारा देखिए बाती बना लिया है, और उसके बाद चलूंगी और लोटा मांजूंगी, अच्छे से धुलूंगी, उसके बाद उसमें जल ले आएंगे। मैं चल रही हूँ। मैंने लोटा अच्छे से धो लिया है, और इसमें जल ले लिया है, और जहाँ पे मैं पूजा करूंगी वहीं पे सारा सामान पूजा का अच्छे से मैं सेट करके रखूंगी। तो मैं यही वाले घर में पूजा करती हूँ, और सारा सामान पहले अच्छे से मैं सेट करके रखूंगी। तो ये साइड देखिए हमारे पति ढेर सारा सामान लाए हैं, और बच्चों के लिए पराठा लाए हैं, और सारा सामान अच्छे से रख दिए हैं, और मैं अच्छे से जो व्यवस्था है अच्छे से कर लेंगे। देखिए गुलाब हमारा एक फूला हुआ है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ पूजा करने के लिए। तो और फूल हमारे पति मार्केट से लाए हैं। मैं जहाँ पे पूजा करूंगी और वहाँ पे लेके चलूंगी, अच्छे से रखूंगी। जय लक्ष्मी गणेश की जय। तो मैं जो दिया जलाऊंगी, हम गांव में हम लोग सरसों का तेल से जला के पूजा करते हैं, तो मैं इसी तेल से पूजा करूंगी। जय माता की, जय माता। तो अच्छे से मैं रूई को सेट करेंगे।
हमारे यहाँ दाना चढ़ता है तो मैंने दाना में देखिए चिवरा कुटा के अच्छे से रख लिया है। हमारे यहाँ हाथी घोड़ा देखिए ये भी मिठाई है, हमारे सबके यहाँ जरूर मिठाई चढ़ती है आज के दिन, तो मैं चढ़ा देती हूँ भगवान के। अब मैं भगवान की माला पहना लेती हूँ। जय माता के, जय लक्ष्मी गणेश गद्दे का सुर सब नाम कर, जय देवी। तो मैंने पूजा कर लिया है दोस्तों, अब जो दिया है तो मैं जगह जगह पे अच्छे से ले चलूंगी रखूंगी, तो अच्छे से मैं देखिए सजा के ले लेती हूँ। मेरी बेटी मंदिर बनाया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर करना कि मेरी बेटी जो मंदिर बनाया है कैसा लगा। तो मैं अपने छोटे वाले रूम में रख देती हूँ, तो मैं इसे अपने किचन में अच्छे से रख देती हूँ, जगह जगह पे रखा था, जैसे चकरी सील और चूल्हा, मतलब सबके नाम से रखा जाता है। मैं दिया अपने कांटा करके रख देती हूँ, तो वहाँ पे चारा मारा जाता है। तो सभी लोग दोस्तों देखिए इनारा है, तो कुआं पे सब लोग दिया रखते हैं क्योंकि जल खाता है, तो मैं चल रही हूँ वैसे बारी बारी से अच्छे से रखूंगी। इस साइड मैंने ढेर सारा देखिए मोमबत्ती जला दिया है, अच्छा लग रहा है, तो मैं दूसरे साइड जलाऊंगी। तो हमारे घर से जो आसपास में घर दिख रहा है देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस साइड देखिए मैंने अपने छत पे सजाया हुआ है, छत के किनारे किनारे अच्छा लग रहा है। तो अमावस के दिन देखिए काजल पारा जाता है, तो मैं ये दियली में पार रही हूँ, अब यही काजल आज अमावस के दिन सभी परिवार मिल के लगाएंगे और शुभ होता है। तो हम लोग थोड़ा सा आग रख के उसी पे पटाखा रख देते हैं। देखिए तो देखिए दो बोल चुका है, उसमें मैं दो तीन और डाली हूँ। तो गांव में हम लोग ऐसे पटाखा बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आज का हमारा पूजा पाठ अच्छा लगा दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब फिर मिलेंगे नए वीडियो के संग, तब तक के लिए राम राम।